Ladies and gentlemen, boys and girls, you're watching Life of I and I'm Ketan. तो अब देख रहे हो शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम कहाँ जा रहे हैं. आज डेट है, अगर किसी को पता हो तो 1st of September. आज रॉयल इनफील्ड की 120th एनिवर्सरी है, जिसके लिए उन्होंने आज रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड का लॉन्च किया है, रीबॉर्न किया है, इसे हम रीबॉर्न कहेंगे. तो हम जा रहे हैं उसी लॉन्च पर. AVR मोटर्स, जिन्होंने इनविटेशन दिया है हमारे RCB को, और इवेंट में हम लोग इनवाइटेड हैं, तो क्यों ना इस इवेंट को कवर किया जाए. और अपनी RCB फैमिली पूरी इनवाइटेड है. आई होप कि सभी लोग, मोस्टली जो जो आ सके वो मिले मुझे वहाँ पे. और ये नई चीज़ लगाई है मैंने बाइक में, देखो हैव अ लुक. ये मैं लेके आया था अभी जब मैं कसौल राइड पे गया था तब. कसौल राइड की वीडियो जल्दी आने वाली है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप अभी तक की रिसेंट सारी अपडेट्स, सारी वीडियोस देख रहे हो. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो. और अब मिलते हैं सीधा AVR मोटर्स पे पहुंच के, ठीक है. तो ये हैं हमारे दीपेंद्र भाई. कैसे हो दीपेंद्र भाई? तो ये बताएंगे कि इस नई रॉयल इनफील्ड में क्या क्या चेंजेस आए और इस कलर का नाम क्या है. क्रोम रेड, ओके. इसके अलावा कितने कलर हैं इसमें? पांच कलर, ओके. तो इसमें चेंजेस क्या क्या हैं? ओके, एक बार एलईडी लाइट ऑन करके दिखाओगे प्लीज? ये अब LED लाइट में आ रही है, ओके ठीक है. ऑफ कर दे एक बार इसे. जो पहले लोगों की कंप्लेंट थी कि फ्यूल नहीं दिखता, फ्यूल नहीं दिखता, इसके अंदर आपको कंप्लेंट पूरी कर दी गई है, ठीक है. अब थोड़ा साउंड बेसी बेसी हो गया पहले से. पहले बहुत पटाखे वाली बहुत कंप्लेंट थी. एक स्टार्टिंग स्विच मिट्टी और वाले आ गए हैं इसमें. फिनिशिंग इसकी अच्छा, ओके. इसमें सीट ऑप्शन एक का ही है या दोनों का ही है? डबल का ऑप्शन आता है, एक आप हटा के सीट अप चला सकते हो. ओके, वो कबीर सिंह वाली फील के लिए. इसके फुटपैक्स भी चेंज हुए हैं. बिल्कुल, फुटपैड भी चेंज हो और डायरेक्टली रॉयल इनफील्ड के आने लगे हैं. ओके, पहले नॉर्मल आते थे. ये वाले ब्रेक पैड्स का भी चेंज हुआ डिजाइन. कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कस्टमर कंफर्टेबल. ओके, ओके. ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट चेंज ही लग, पूरा पूरा पार्ट्स नहीं है इसके, है ना? ये क्रोम रेड है सर, इसी के साथ ये मार्च ग्रे, आर्च ग्रे, मार्च ग्रे, ओके. और ये थर्ड गन मेटल ग्रे, ये तो पहले भी आता था शायद, पर अब मैट फिनिश में, ओके. और ये स्टील ब्लैक आती थी, ओके, डार्क स्टील ब्लैक के नाम से, ठीक है.
और इनके प्राइस में क्या क्या डिफरेंस है, शुरू करते हैं इससे। दो लाख 61,000 की। और ये वाली अच्छा दोनों अलॉय व्हील में 261 ढाई लाख के अप्रॉक्स। और ये वाली सेम प्राइस 2.5 लाख। ओके तो अभी करते हैं इस कलर की टेस्ट ड्राइव। कंसोल देखो राइट रात को कैसे चमकता है पूरा का पूरा। और अभी ट्रिप एफ लगा हुआ है इसमें और ये है टेस्ट राइड बाइक। अब इसमें मिटियोर जैसे फंक्शंस दिए गए हैं ऑलमोस्ट, जो मिटियोर में सेल्फ आई थी वो वाले, बट इसकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नहीं है। मिरर से लेके और इस चाहे इस ब्रेक ऑयल वाले कंटेनर तक लगा लो। और अब इसको करते हैं एक बार न्यूट्रल और फिर करते हैं इसको स्टार्ट। आवाज़ आप सुन सकते हो बड़ी बेसी नोट आ रहा है, बड़ा प्यारा बेसी नोट है। छोटी सी राइड लेंगे इसकी एक सिर्फ, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड चलाने की आदत नहीं है, बट आई लव दिस पोस्चर। और बहुत ही कंफर्टेबल सीट है इसकी, जैसे मेरे को लग रहा है ना बहुत ही कंफर्टेबल मेरे को फील आ रहा है इस पर बैठ के। ये भी 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है। और इसकी लो बीम हाई बीम हम देखते हैं, लो बीम हाई बीम पास यस। बहुत सही तरह से इसको जो अपना रॉयल इनफील्ड का जो स्लोगन है ना कि इट्स मेड लाइक गन, सीरियसली वही फिनिशिंग है इसकी, इट्स मेड लाइक गन वाली। तो आई लव दैट फिनिशिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा मुझे इसे बैठ के बहुत लाइट लाइट फील हो रहा है। और पिकअप में भी कोई इशू नहीं है, बहुत प्यारा पिकअप दे रही है, बहुत तरीके से दे रही है। और ये थी हमारी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक का लॉन्च और क्लासिक बाइक। मुझे तो बड़ी सही लगी पर्सनली बोलूँ तो। और मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ग्रीन कलर वाली, मतलब बहुत ही प्यारी लगी मुझे तो। और इसमें जो चेंजेस हुई है मेरे को तो लगता है एक एक नट बोल्ट इसमें जो लगा है वो सारा नया, ब्रांड न्यू कचाकच, कुछ भी पुराना नहीं है इसके अंदर। और मुझे लगता है कि इस महंगाई के दौर में ये बाइक राजस्थान में आप लोगों को पड़ेगी 2,61,000 का इसका टॉप मॉडल विद अलॉय व्हील। और जो विदाउट अलॉय व्हील है स्पोक व्हील्स के साथ है वो मिलेगी आपको 2.5 लाख रुपए की, ऑलमोस्ट 2,51,000। और अगर आपको यही बाइक चाहिए हरियाणा में तो टॉप मॉडल 2.5 लाख रुपए का और बेस मॉडल है आपका 2,40,000 का। मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्प फिनिश दे रखी थी बाइक्स को, क्रिस्प फिनिश मतलब इट्स लाइक अ डायमंड कट, जो भी फिनिशिंग थी बहुत परफेक्टली थी, बहुत ही प्रॉपर थी, कोई क्वेश्चन पुटअप करने वाली बात थी ही नहीं उस बाइक के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ये अगर रॉयल इनफील्ड वालों की अगर आपको ये क्लासिक अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड मिलते हैं किसी और नए दिन और किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।